मैं 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2019 में हो रहा है त्रिपुरा राज्य में हूँ और मेरे साथ हैं राजेश जी, ओएसडी हैं डीआईडीसी के। तो आइए उनसे जानते हैं थोड़ा सा कि क्या है त्रिपुरा में खास। तो आइए चलते हैं। इस बार क्या त्रिपुरा में खास हमें देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग टूरिज्म को इस बार ज्यादा फोकस किए। आपने देखा है, हम बाहर हमारे जो ऊनकोटी है, जो फेमस हिस्टोरिकल जो प्लेस है, उसको किया है। बेम्बू सेक्टर को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपने देखा है, इधर जो बांस के बहुत सारे आइटम है, जो बेम्बू सेक्टर में हमारे त्रिपुरा में दो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक तो है पूर्वाशा, जो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर काम करता है, दूसरा है बेम्बू मिशन है। तो हम ये दोनों को फोकस किया है, दोनों को इधर हमने प्रमोट करने का कोशिश किया है। सामान तैयार किया जाता है, त्रिपुरा में प्रोडक्शन होता है। तो ये हैंडमेड होता है कि कैसे? ये हैंडमेड है, ये सारा हैंडमेड, कोई मशीन नहीं है, सब हैंडमेड है। और लोग बहुत स्किल्ड है, दे नो हाउ टू मेक ऑल दिस, एंड दीज आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। अच्छा, दुबई में, इंग्लैंड में जाता है। और हमारा जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है बेम्बू का, वो एक्सपोर्ट होता है जर्मनी में गया है, जर्मनी गया है, फिर इंग्लैंड गया है, थाईलैंड गया है। तीसरा है हमारा पास राबार है, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट राबार प्रोड्यूसर स्टेट है त्रिपुरा, जहाँ पे लगभग 65,000 मेट्रिक टन राबार प्रोड्यूस होता है। राबार, इसमें जो आप देखें, ये फर्नीचर जो है सब राबार का बना हुआ है। अच्छा, ये फर्नीचर ये राबार का है। अच्छा। इसका ड्यूरेबिलिटी 20 ईयर्स मिनिमम। 20 ईयर्स में आपको इसमें पानी में भिगोए, बारिश होगा, कुछ भी इसका कोई खराबी नहीं होगा। ये राइस और बहुत सारे वैरायटीज है राइस का, तो राइस को भी हम लोगों ने प्रमोट किया है। हमारा यहाँ पे पहले क्या होता है, पंजाब से चावल जाता था, जो पीडीएफ सिस्टम में पंजाब के चावल हम लोग इस्तेमाल करते थे। आज के डेट में हम वहाँ से किसान से धान के खरीदते हैं, फिर वहाँ ही उसको मिलिंग करके वहाँ ही रेशन शॉप में देते हैं। हाँ, राइस का भी बहुत सारा प्रकार है। यहाँ पे राइस देखिए, सब त्रिपुरा में प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपका जो एरोमेटिक राइस है, खासा एरोमेटिक राइस, काली खासा, हरि नारायण, बायरन, बीरन, सो ऑल दिस प्रोडक्ट्स वी हैव डिस्प्लेड। और हमारा खादी है, त्रिपुरा खादी बोर्ड, उसका भी खादी का जो ये है, महात्मा गांधी का जो सपना है खादी, हर घर में खादी जाएगा, तो खादी का बहुत त्रिपुरा में प्रचलन है। यहाँ पे खादी का अपना सेल काउंटर है, पहले दिन से वहाँ पे सेल हो रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये खादी भी हम बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। खादी प्रोडक्ट भी, हाँ, ये नेशनल लेवल जाता है। और हमारा जो ये है आर्टिशियन है, उन लोग का अपना प्रोडक्ट है, तो अभी वो लोग डिस्प्ले किए हैं और उसका सेल हो रहा है, बहुत बड़ी तरीके से सेल हो रहा है। और उसके साथ में हमारा जो पाइनएप्पल है, त्रिपुरा का पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल, ये हमारा जो महामान्य राष्ट्रपति जी ने उनका ये किया, रिकॉग्निशन दिया है ऑल इंडिया में, क्वीन पाइनएप्पल लास्ट ईयर दुबई में एक्सपोर्ट हुआ। हाँ, स्पेशल टाइप का पाइनएप्पल होता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। मतलब नॉर्मल पाइनएप्पल की तरह या कि अलग है उसका? थोड़ा अलग है, उससे जैम, जेली, पिकल्स और जूस बहुत अच्छा बनता है। तो क्वीन पाइनएप्पल इसका नाम क्यों रखा गया? हाँ, क्वीन वाला पाइनएप्पल में खास है, इसलिए क्वीन है, इसलिए क्वीन है। ये फर्नीचर बना है आपका राबार का, ऑफिस फर्नीचर, फिर आपका घर का जो सोफा सेट है, वो फैक्ट्री है त्रिपुरा में। इसका डोर्स, विंडोज, पैनल्स भी बनता है, ये बहुत क्वालिटी है, 20 ईयर्स मिनिमम जाता है वो, 20 ईयर्स। और ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल है। हमने त्रिपुरा स्टेट में राजेश जी से बात की, जो टीआईडीसी के ओएसडी हैं, उनसे बात करी, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, तो काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्ट्स, जो बैम्बू से बने हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, खादी को भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ टूरिज्म में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। सबसे खास बात जो फोकस चीज़ रही वो रही क्वीन पाइनएप्पल, तो इसको खाइए, इसका मज़े लीजिए। और इसको आप अगर इसको लेना चाहते हैं क्वीन पाइनएप्पल, तो आप राजेश जी ने जैसे कि बताया कि आप उनसे विजिट कीजिए, त्रिपुरा पवेलियन आप विजिट करिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो खुद आपके पास आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ पर आपको डिलीवरी करेंगे। कैमरा पर्सन रूपेश तिवारी के साथ मैं रोहित वर्मा, मीडिया दरबार, दिल्ली।